नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में, और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नया सेशन लेके। तो देखो, अपने इससे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र के चार टॉपिक किए थे, चार पार्ट अपने इसके कंप्लीट कर लिए थे। तो इसके जो पहले चार पार्ट थे उसके अंदर अपने किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का सामान्य परिचय, इसके प्रकार और रक्त परिसंचरण तंत्र में किन किन अंगों का अध्ययन करते हैं, और उन अंगों के अंदर सबसे पहले अपने हृदय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया था। आज अपने करेंगे इसी का दूसरा पार्ट, और इसी का जो दूसरा पार्ट या दूसरा सेशन है वो रहेगा रक्त वाहिनियाँ, कि हृदय जो होता है उसमें रक्त की जो आपूर्ति करती है वो कौन करती है। ये छोटी छोटी नलिकाएँ होती है, इन नलिकाओं को अपने क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि जो रक्त वाहिनियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितने भागों में रक्त वाहिनियों को अपने बांट सकते हैं। तो देखो, रक्त वाहिनियाँ तीन प्रकार की होती है। अब तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो इसमें सबसे पहली आती है धमनी, जिसे अपने आर्टरी कहते हैं। नंबर दो पर आती है सिरा, जिसे अपने वेन कहते हैं। और नंबर तीन पर आती है केसिका, जिसे अपने कैपिलरी कहते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि रक्त वाहिनियाँ जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, धमनी, सिरा और केसिका। अब बात आती है कि धमनी कौन सी होती है, और शिरा कौन सी होती है, और केसिका कौन सी होती है, इनकी क्या खासियत होती है, ये किस प्रकार रक्त का आदान प्रदान करती है, रक्त का परिवहन किस प्रकार करती है। तो देखो, मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र की अगर अपने बात करें तो मनुष्य के अंदर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र की अपने डेफिनेशन यही की थी कि एक वह तंत्र जिसमें रक्त हृदय से निकलने के बाद नलिकाओं के द्वारा या वाहिनियों के द्वारा लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है, और लक्ष्य अंगों से वापस हृदय में किसके द्वारा आता है, वाहिनियों के द्वारा आता है। तो अपने कह सकते हैं कि जो रक्त वाहिनियाँ होती है ये क्या करती है, रक्त का परिवहन करती है, उसको लाने व ले जाने का काम करती है रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, तो अब देखो, रक्त वाहिनियाँ जो होती है वो होती है तीन प्रकार की। तो लिखेंगे यहाँ पे कितने टाइप की होगी, ये होगी तीन प्रकार की। अब देखो, तीन प्रकार में कौन कौन सी होती है, तो इसमें सबसे पहली जो आती है वो होती है धमनी। सबसे पहली कौन सी होती है, धमनी होती है, या इसे अपने कहते हैं आर्टरी, धमनी या आर्टरी। नंबर दो होती है, इसे अपने कहते हैं शिरा, या इसे अपने कहते हैं वेन। और नंबर तीन पर जो आती है, नंबर तीन पर होती है, इसे अपने कहते हैं केसिका, या अपने कहते हैं इसे कैपिलरी, केसिका या कैपिलरी। तो रक्त वाहिनियाँ तीन प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और केसिका। अब अपने डायग्राम के द्वारा पूरा समझेंगे कि धमनियाँ क्या काम करती है, और केसिका क्या काम करती है, और शिरा क्या काम करती है। अब सबसे पहली बात आती है धमनी, कि धमनी का काम क्या होता है। तो देखो, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि जो मैंने धमनी बनाई है वो किस रंग की बनाई है। तो धमनी को मैंने इस डायग्राम के अंदर बनाया है रेड कलर से, लाल रंग से बनाया है। और जो शिरा होती है उस शिरा को मैंने यहाँ किस कलर से बनाया है, तो मैंने यहाँ पे शिरा को बनाया है नीले कलर से। तो यहाँ पे लाल व नीले कलर का इस्तेमाल करने का मेरा मतलब ये है कि जो शुद्ध रक्त होता है वो लाल रंग का होता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है वो हल्के नीले रंग का या हरे रंग का होता है। तो एक बात आप समझ गए होंगे कि धमनियों को लाल रंग की बनाया है, इसका मतलब धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। शिरा को मैंने नीले रंग से बनाया है, इसका मतलब शिरा के अंदर कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पर अपने पहली बात क्लियर होती है कि धमनियों में सदैव शुद्ध रक्त बहता है, और शिराओं में सदैव अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखो, इसी डायग्राम के अंदर आप एक नाम देख रहे हो, पल्मोनरी धमनी, जिसको मैंने किस रंग से बनाया है, इसको बनाया है नीले रंग से। इसका मतलब कि ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो मानव शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो कौन सी होती है, पल्मोनरी धमनी होती है, जो क्या करती है, जो दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों के अंदर लेके जाती है। फिर देखो, धमनियों को अपने यहाँ लाल रंग से बनाया है, यानी धमनियों में सदैव कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो देखो, यहाँ पर
अपने एक चीज लिखी है कि पल्मोनरी शिरा, कि शिरा वो होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध रक्त बहता है इसका मतलब अपने शिरा को किस रंग से बनाया है, नीले रंग से बनाया है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पल्मोनरी शिरा जिसको अपने लाल रंग से बनाया है, इसका मतलब हमारे शरीर की एकमात्र शिरा जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो कौन सी होती है, सॉरी शुद्ध रक्त बहता है वो कौन सी होती है, पल्मोनरी शिरा होती है, जो क्या करती है फेफड़ों में शुद्ध रक्त को कहाँ लेके आती है, बाएँ आलिंद में लेके आती है। तो पहला पॉइंट इसमें क्लियर होता है कि धमनियों में सदैव शुद्ध रक्त बहता है, अपवाद क्या हो जाएगा पल्मोनरी धमनी, शिरा में सदैव अशुद्ध रक्त बहता है, अपवाद क्या हो जाएगा पल्मोनरी शिरा। अब बात आती है इसके बाद भी कि धमनियां जो होती है ये रक्त को हृदय से दूर कहां लेके जाती है, ये रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है अंगों में। तो धमनियां रक्त को हृदय से दूर अंगों में लेके जाती है, और शिरा क्या करती है, शिरा रक्त को अंगों से कहां लेके आती है, हृदय में लेके आती है। तो दूसरी अपनी लाइन यहाँ पे दूसरा पॉइंट अपना क्लियर होता है कि धमनी जो होती है ये रक्त को हृदय से दूर अंगों में लेके जाती है, और शिरा जो होती है वो रक्त को अंगों से कहाँ लेके आती है, हृदय की ओर या हृदय में लेकर आती है। फिर देखो इसके बाद में बात आती है नंबर तीन कि धमनी की जो दीवार होती है वो अधिक मोटी होती है, धमनी की गुहा संकरी होती है और धमनी अधिक लचीली होती है, जबकि जो सिरा होती है उसकी दीवार पतली होती है, कम लचीली होती है और इसकी गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है। फिर देखो धमनियों में जो रक्त बहता है उसमें रक्तदाब उच्च रहता है, उच्च का मतलब है कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है इसके अंदर, उच्च रक्तदाब के साथ रक्त बहता है। तो अपने कह सकते हैं धमनियों में जो रक्त बहता है उसका रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। तो अब देखो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। अपने कह सकते हैं कि रक्तदाब का मापन कहाँ से करेंगे, धमनी से करेंगे, अपनी जो ब्रैंकियल धमनी होती है या अपने कह सकते हैं ब्रैंकियल आर्टरी जो होती है उससे अपने रक्तदाब का मापन करते हैं। तो तीसरा पॉइंट अपना क्लियर होता है धमनियों में रक्तदाब उच्च रहता है और सिरा में रक्तदाब निम्न रहता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि जो धमनियां होती है वो त्वचा के नीचे काफ़ी गहराई में होती है और सिरा जो होती है त्वचा के नीचे ऊपरी सतह पर होती है। यानी अपने अगर हाथ को देखेंगे तो इसमें बाहर की तरफ जो नीली और हरी रेखाएं दिखाई दे रही है ये क्या है, सिराएं होती है जो त्वचा की ऊपरी सतह पर यानी त्वचा के नीचे ऊपरी सतह पर पाई जाती है। धमनियां हमें बाहर से दिखाई नहीं देती क्योंकि धमनियों में रक्तदाब उच्च रहता है, इस कारण धमनियां त्वचा के नीचे काफ़ी गहराई में पाई जाती है। फिर देखो इसके बाद में बात आती है कि धमनियां जो होती है उसमें ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब उच्च रहता है, इस कारण धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते जबकि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। इनमें इस प्रकार कपाट लगे होते हैं, इस प्रकार लगे होते हैं कपाट, जैसे कि एक धड़कन में रक्त यहाँ तक पहुँचेगा तो ये कपाट बंद हो जाएगा ताकि रक्त नीचे ना आए। इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। फिर बात आती है कि धमनियों में जो रक्त बहता है उसका रंग गहरा लाल होता है, चटक होता है। क्यों होता है गहरा लाल रंग, इसका रीज़न ये होता है कि धमनियों में जो रक्त बहता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा होती है और अपने रक्त में जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है ये अगर ऑक्सीजन के साथ अधिक क्रिया करेगा तो रक्त का रंग गहरा लाल हो जाएगा। और शिराओं में जो रक्त बहता है उसका रंग हल्का नीला या हरा होता है, इसका मतलब होता है कि शिराओं में जो रक्त बहता है उसमें CO2 की सांद्रता ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद बात आती है कि अगर अपने किसी भी समय जांच करें तो अपने शरीर के कुल रक्त का 15% भाग हर समय कहाँ मिलता है, धमनियों में मिलता है। और किसी भी समय जाँच करने पर कुल रक्त का 65% भाग कहाँ पाया जाता है, शिराओं में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है मृत्यु के पश्चात धमनियां रक्त से खाली हो जाती है, जबकि सिराओं में मृत्यु के पश्चात भी रक्त पाया जाता है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि जो धमनी होती है उसमें रक्त का pH मान उच्च रहता है और शिरा जो होती है उसमें रक्त का pH मान कम होता है। अब देखो धमनियों में रक्त का pH मान कम होता है और अपने कह सकते हैं कि शिराओं में रक्त का pH मान क्या होता है,
कम रहता है और धमनी में रक्त का पीएच मान उच्च रहता है, इसका रीजन क्या है? तो देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो धमनी होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा होती है, CO2 की सांद्रता कम होती है, जबकि सिरा के अंदर क्या होता है, CO2 की सांद्रता ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, रक्त का जो पीएच मान होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि CO2 क्या करती है, रक्त के पीएच मान को सदैव कम करती है या पीएच मान को घटाती है। फिर देखो इसके बाद बात आती है कि जो धमनी होती है, धमनी में क्या होता है कि जब भी कोई इंजेक्शन लगाते हैं या ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड का नमूना लेते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं तो धमनी के रक्त का इस्तेमाल नहीं करते। रक्त का नमूना लेते समय या अपने कह सकते हैं ग्लूकोज चढ़ाते समय या इंजेक्शन लगाते समय किसके रक्त का इस्तेमाल होता है, तो अपने कहते हैं सिरा के रक्त का इस्तेमाल होता है। फिर बात आती है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो महाधमनी या इसे कहते हैं एओर्टा, महाधमनी या एओर्टा जो होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। और सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है, तो महाशिरा जिसे वेना कावा कहते हैं, ये मनुष्य की सबसे बड़ी शिरा होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले डायग्राम नोट कीजिए, उसके बाद आपको इसको लिखवाएंगे कि धमनियाँ क्या होती है, शिरा क्या होती है और केशिका क्या होती है, इनको अपने विस्तार से करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप इस डायग्राम नोट कीजिए, उसके बाद अपने से लिखेंगे आगे। चलो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करो, एक तरफ लिखो धमनी, एक तरफ लिखो सिरा और बीच में एक लाइन खींच दो। एक तरफ लिखो धमनी, एक तरफ लिखो सिरा और बीच में एक लाइन खींचो। लाइन खींच के सबसे पहले धमनी में लिखो आप नंबर एक लगा के, धमनी में लिखो नंबर एक लगा के, इसमें लिखो धमनी में सदैव शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में सदैव शुद्ध रक्त बहता है। फिर इसके लिखो अपवाद पल्मोनरी धमनी, अपवाद में लिखो पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट लिखो सिरा में नंबर एक लगा के, सिरा में सदैव अशुद्ध रक्त बहता है, सिरा में सदैव अशुद्ध रक्त बहता है। अपवाद लिखो पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा। फिर आप लिखो धमनी में नंबर दो पॉइंट लगा के लिखो, ये रक्त को हृदय से दूर अंगों में लेकर जाती है, ये रक्त को हृदय से दूर अंगों में लेकर जाती है। शिरा में लिखो नंबर दो पॉइंट लगा के, ये रक्त को अंगों से हृदय में लेकर आती है, ये रक्त को अंगों से हृदय में लेकर आती है। धमनी में लिखो नंबर तीन पॉइंट लगा के, इसमें लिखो धमनी की दीवारें अधिक मोटी, धमनी की दीवारें अधिक मोटी, अधिक लचीली, अधिक मोटी, अधिक लचीली व गुहा संकरी होती है। शिरा में लिखो आप, शिरा की दीवारें कम मोटी, कम लचीली व गुहा चौड़ी होती है। शिरा की दीवारें कम मोटी, कम लचीली व गुहा चौड़ी होती है। धमनी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, धमनी में किसी भी समय कुल रक्त का
15% पाया जाता है। धमनी में किसी भी समय कुल रक्त का 15% पाया जाता है। शिरा में लिखो नेक्स्ट पॉइंट लगा के। शिरा में किसी भी समय कुल रक्त का 65% पाया जाता है। शिरा में किसी भी समय कुल रक्त का 65% पाया जाता है। अगर अपने शरीर के अंदर जो कुल रक्त बहता है उसका अगर अपने आयतन निकालें तो 15% जो रक्त है वो हर समय कहाँ मिलेगा? धमनियों के अंदर मिलेगा। और 65% रक्त है वो हर समय कहाँ मिलेगा? शिरा के अंदर मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप धमनी के अंदर। इसमें लिखिए धमनी में कपाट या वाल्व नहीं पाए जाते। धमनी में कपाट या वाल्व नहीं पाए जाते। शिरा में लिखिए शिरा में कपाट या वाल्व पाए जाते हैं। शिरा में कपाट या वाल्व पाए जाते हैं। धमनी में लिखिए धमनी में रक्तदाब उच्च रहता है। धमनी में रक्तदाब उच्च रहता है। और आपने लिख दो बीपी कितना रहता है धमनी के अंदर, तो लिख दो आप नीचे बीपी इज इक्वल टू 120 बटे में 80 mm ऑफ एच जी। ये ब्लड प्रेशर होता है धमनी के अंदर। और शिरा में लिखो शिरा में रक्तदाब निम्न रहता है। शिरा में रक्तदाब निम्न रहता है। तो शिरा में बीपी कितना होता है, तो इसमें बीपी होता है 10 से 20 mm ऑफ एच जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए धमनी में रक्त का पीएच मान। धमनी में रक्त का पीएच मान अधिक होता है। धमनी में रक्त का पीएच मान अधिक होता है। कितना होता है? 7.45 पीएच मान होता है धमनियों में जो रक्त बहता है उसके अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सिरा में रक्त का पीएच मान कम होता है। कितना होता है? 7.35 होता है। कितना होगा? 7.35। अब बात आती है कि धमनियों में रक्त का पीएच मान उच्च होता है और शिरा के अंदर रक्त का पीएच मान कम होता है, तो इसका रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक अम्लीय होती है। अधिक अम्लीय होने के कारण रक्त के पीएच मान को थोड़ा कम कर देती है। इस कारण शिरा में जो रक्त होता है उसका पीएच मान घटता है। यानी किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान घटता है इसका मतलब उसकी अम्लीयता बढ़ती है। कोई पदार्थ अम्लीय कब होगा? जब उसका पीएच मान 7 से कम होगा, यानी उसका पीएच मान घटेगा तो अम्लीयता बढ़ती है। तो शिराओं के अंदर CO2 की सांद्रता ज़्यादा होती है। CO2 अम्लीय होने के कारण रक्त के पीएच मान को थोड़ा कम कर देती है। आपको एक बात बता दें कि अगर मनुष्य के रक्त का पीएच मान 0.2 से कम या ज़्यादा हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो अपना रक्त होता है वो एक बफर विलयन है। बफर विलयन का मतलब ये होता है एक ऐसा विलयन जो अपने पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। इस कारण रक्त को अपने बफर विलयन कहते हैं, क्योंकि रक्त का पीएच मान अगर 0.2 से कम या ज़्यादा होने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो रक्त के पीएच मान में बहुत कम परिवर्तन होता है, ना के बराबर अपने कह सकते हैं नगण्य परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, नेक्स्ट में लिखिए मृत्यु के पश्चात। धमनी में लिखिए मृत्यु के पश्चात धमनियां रक्त से खाली हो जाती है। मृत्यु के पश्चात धमनियां रक्त से खाली हो जाती है। और सिरा में लिखिए सिरा में मृत्यु के पश्चात भी रक्त उपस्थित रहता है। सिरा में मृत्यु के पश्चात भी रक्त उपस्थित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए धमनी में धमनियां त्वचा के नीचे काफ़ी गहराई में पाई जाती है। धमनियां त्वचा के नीचे काफ़ी गहराई में पाई जाती है। और शिरा में लिखिए शिरा त्वचा के नीचे ऊपरी सतह पर पाई जाती है। शिरा त्वचा के नीचे ऊपरी सतह पर पाई जाती है। नेक्स्ट लिखिए आप धमनी में, इसमें लिखिए सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी।
या इसको अपने एओर्टा भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी या एओर्टा। फिर लिखिए सबसे बड़ी सिरा, तो सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है, सबसे बड़ी सिरा होती है महाशिरा, जिसे हम वेना कावा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपने, वेना कावा या अपने कहते हैं महाशिरा। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी या एओर्टा। सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है, महाशिरा या अपने कहते हैं वेना कावा। अब टेबल को क्लोज कीजिए और उसके बाद नीचे आप नोट में लिखिए, नोट में लिखिए आप, इसमें लिखिए इंजेक्शन लगाते समय, इंजेक्शन लगाते समय कोमा ग्लूकोज चढ़ाते समय कोमा रक्तदान करते समय और रक्त का नमूना लेते समय, और रक्त का नमूना लेते समय शिरा के रक्त का इस्तेमाल किया जाता है, शिरा के रक्त का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इंजेक्शन लगाएं, चाहे ग्लूकोज चढ़ाएं, चाहे ब्लड डोनेट करें, या रक्त टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए अपने ब्लड का अगर सैंपल लें, तो किसके रक्त का इस्तेमाल होता है, सिरा के रक्त का इस्तेमाल होता है, धमनी के रक्त का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि धमनियों में जो रक्त बहता है उसका रक्तदाब उच्च रहता है, इंजेक्शन लगाते समय धमनियाँ फट सकती है। तो ये थी अपनी रक्तवाहिनियाँ, इसके अंदर छोटी सी चीज़ और है, वो और समझ लो आप। देखो कि जो मनुष्य का हृदय होता है, हृदय से रक्त निकलने के बाद कहाँ जाएगा, महाधमनी में, महाधमनी से आगे किस में जाएगा, फिर ये महाधमनी जो होती है वो आगे कई शाखाओं में बंटी होती है, जिसे अपने क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। धमनी आगे जाके फिर कई शाखाओं में बंट जाती है, जिसको अपने क्या कहेंगे, धमनिका कहेंगे, और धमनिका फिर आगे रेशों के समान संरचनाओं में बदल जाती है, और रक्त कहाँ सप्लाई करती है, अंगों में सप्लाई करती है। अंगों से फिर रक्त कहाँ जाएगा, अशुद्ध रक्त केशिका में जाएगा, इसके बाद सिरिका में जाएगा, इसके बाद सिरा में, फिर महाशिरा में, महाशिरा से वापस कहाँ आएगा, हृदय के अंदर आएगा, और हृदय से फिर कहाँ जाता है, वापस ये पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। जब रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है, इसके पश्चात जो शुद्ध रक्त होता है वो पल्मोनरी शिरा के द्वारा कहाँ पर आएगा, तो ये पल्मोनरी शिरा के द्वारा आता है अपने हृदय के अंदर, और हृदय से फिर वापस रक्त को आगे सप्लाई कर दिया जाता है। तो अपने कह सकते हैं, अगर आपसे क्रम पूछ लें कि रक्त परिसंचरण तंत्र का जो जिसमें रक्त का परिवहन होता है, तो रक्त के परिवहन का सही क्रम बताइए, तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले हृदय, फिर महाधमनी, फिर धमनी, फिर धमनिका, और फिर केशिका, इसके बाद अंग, इसके बाद फिर केशिका, और फिर शिरिका, इसके बाद सिरा, सिरा के बाद महाशिरा, और महाशिरा के बाद क्या आ गया, वापिस हृदय, और हृदय से फिर आके क्या लिखोगे आप, पल्मोनरी धमनी, और फिर लिखोगे आप फेफड़े, इसके बाद पल्मोनरी शिरा, और फिर कहाँ आ जाएगा, वापिस हृदय में। अब देखो कई छोटे मोटे प्रश्न हैं, वो पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपने। तो देखो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि शुद्ध रक्त किन में बहता है, या वे कौन सी नलिकाएं होती है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, तो शुद्ध रक्त बहता है धमनी में। और फिर क्वेश्चन बनता है कि अशुद्ध रक्त कौन सी वाहनियों में बहता है, तो अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करती है, शिरा करती है। और फिर यह प्रश्न भी बनता है कि मानव शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो कौन सी धमनी है, वो है पल्मोनरी धमनी। और फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि मानव शरीर की एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो वो कौन सी है, वो है पल्मोनरी शिरा। और उसके बाद प्रश्न बहता है कि धमनियों में जो रक्त का पीएच मान होता है वो सिराओं के मुकाबले क्या होता है, अधिक होता है, और सिराओं में जो रक्त का पीएच मान होता है वो धमनी के मुकाबले क्या होता है, कम होता है। और इस तरीके से आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी वो वाहनियाँ होती है जिसमें कपाट नहीं पाए जाते, तो धमनियाँ वे वाहनियाँ हैं जिसमें कपाट नहीं पाए जाते। अपने कहते हैं कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, जबकि शिरा जो होती है उसके अंदर कपाट पाए जाते हैं, यानी शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। फिर उसके बाद ये प्रश्न बनता है कि धमनियों में जो रक्त बहता है उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा होने के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, गहरा लाल होता है, जबकि सिराओं में जो रक्त बहता है उस रक्त के अंदर
किसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, CO2 की सांद्रता ज़्यादा होती है। इस कारण इसमें रक्त का जो मान जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, हल्का नीला या हल्का हरा हो जाता है। तो ये तो थी अपनी रक्तवाहिनियाँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ इसी टाइम। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।